अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार और आज हम जो है वो लेक्चर डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो न्यू बुक है उसके लेक्चर को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे, तो उनके MCQs की प्रिपरेशन हो जाएगी। 50 MCQs यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। और साथ में वो स्टूडेंट जो कि ECAT MDCAT के एग्जाम्स में शिरकत करेंगे 2024 में नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो वो भी ये लेक्चर को देखें। और अगर आप इनसे कोई स्टूडेंट्स अगर PDF नोट्स किसी को चाहिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के या किसी और सब्जेक्ट के या एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वो पेड नोट्स होंगे और लेकिन बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स से नोट्स के लिए, तो वो PDF नोट्स हैं जो मेरे अपने बनाए हुए, उसके अलावा दीगर जो मेरे पास मौजूद है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 50 MCQs है, वन बाय वन एक एक MCQs को एक्सप्लेन वे पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है, दिस इज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डैश कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डैश कंपाउंड्स की स्टडी होती है। अभी हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जो स्टडी करते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स को करते हैं, तो इट इज अ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्वेश्चन 2 है, वी हु सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। लैब के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने सिंथेसाइज किया था, किसने इसको बनाया था। लैब में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेडरिक चोलर ने बनाया था, एक जर्मन केमिस्ट थे। 1828 में उन्होंने जो है वो ये दुनिया का पहला कंपाउंड बनाया था। और क्वेश्चन 3 है, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया, तो यूरिया बनाया गया सबसे पहले कंपाउंड, जिसको हम लोग कार्बेमाइड भी कहते हैं। और यूरिया का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, यूरिया वॉज सिंथेसाइज बाय बॉइलिंग डैश। यूरिया को क्या चीज को बॉइल करके बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट NH4CNO जिसका फॉर्मूला होता है, इसको बॉइल करके यूरिया को बनाया गया था। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। अब देखिए फॉसिल फ्यूल किससे कहा जाता है, व्हाट इज एक्चुअली अ फॉसिल फ्यूल। फ्यूल से मुराद तो होती है ईंधन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जल सके उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल। और फॉसिल से मुराद जो लिविंग थिंग्स के डिकम्पोज होने से हमारे पास बने, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में हमारे पास 3 तरह के फॉसिल फ्यूल हमारे पास होते हैं, आइदर या तो कोल होता है, या तो पेट्रोलियम होता है, या तो फिर नेचुरल गैस। क्योंकि तीनों ही फॉसिल फ्यूल है, दैट्स व्हाई मैंने आंसर इसका लगा दिया डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 6, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कोल। तो कोल के बारे में हम जानते हैं कि कोल के हमारे पास जो है वो 4 स्टेजेस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेज होता है पीट, सेकंड होता है लिग्नाइट, थर्ड होता है बिटामिन, और फोर्थ स्टेज जो हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एंथ्रेसाइट। तो बिटामिन को हम लोग जो है वो बिटामिन ऑफ कोल भी कहते हैं, तो बिटामिन ऑफ कोल इसी को कहा जाता है। तो एंथ्रेसाइट जो है वैसे लास्ट स्टेज है, हार्डेस्ट कोल भी कहते हैं इसको, हार्ड कोल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे सख्त यही कोल होता है, या फिर हम इसी एंथ्रेसाइट को कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली हाई ग्रेड कोल, ये हाई ग्रेड कोल भी कहला सकता है, आला दर्जे का कोयला। क्वेश्चन 7 है, दिस स्टेज ऑफ कोल कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। किस कोल के स्टेज में परसेंटेज ऑफ कार्बन हाईएस्ट होती है, तो एंथ्रेसाइट में ही हाईएस्ट परसेंटेज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक दबे रहता है कोयला जमीन के अंदर उतनी ज़्यादा उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती रहती है। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉसिल फ्यूल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा फॉसिल फ्यूल लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। तो फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया ना 3 होते हैं, तो उनमें से कोल तो सॉलिड है और नेचुरल गैस सिंपल सी बात है नाम से जाहिर होता है गैस है, तो पेट्रोलियम वाहिद हमारे पास है जो क्या होगा किस स्टेट के अंदर मौजूद होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर। क्वेश्चन 9 है, नेचुरल गैस कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डैश। नेचुरल गैस में या सुई गैस में, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं पाकिस्तान में, इसको हम सुई गैस कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी मौजूद होती है, हाईएस्ट परसेंटेज इसमें होती है मीथेन गैस की, जो 95% होती है। इथेन गैस जो होती है वो हमारे पास 4% होती है, तो सेकंड हाईएस्ट इथेन हो सकती है। क्वेश्चन 10 है, आइबोप्रोफेन इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड इट इज़ यूज्ड एंड इट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट। आइबोप्रोफेन जिसको मार्केट में आइबोप्रोफेन के नाम से लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो बुखार और जुकाम वगैरह को ख़त्म करती है। उसको किससे बनाया जाता है, तो उसको बनाया जाता है बेटा क्यूमीन से। क्यूमीन की लाइक पार्शियल सिंथेसिस करते हैं तो ये बनता है,
क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल रेडिकल लगा होता है इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। क्वेश्चन 11, टैक्सोल इज अ मेडिसिन यूज फॉर द क्योर ऑफ दिस डिजीज। टैक्सोल जो दवाई है वो किस बीमारी के इलाज के लिए होता है? दिस इज कैंसर के इलाज के लिए हम लोग टैक्सोल यूज करते हैं और ये टोटल सिंथेसिस से बनता है। क्वेश्चन 12, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल द सॉलिड प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज कॉल्ड डैश। मतलब जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो सॉलिड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? सो सॉलिड में तो देखिए हमें मिलता जो है वो सॉलिड में हमें जो मिलता है दिस इज कोक। कोक हमारे पास सॉलिड में आएगा, कोल्ड टार आता है लिक्विड में, कोल गैस आती है गैशियस फॉर्म में। तो कोक सॉलिड स्टेट में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और इसके बारे में भी याद रखना है कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन की हमारे पास कोक होती है। क्वेश्चन 13, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्ड टार यील्ड्स। कोल्ड टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से क्या बनता है? कोल्ड टार चूंकि एक लिक्विड है, अभी मैंने बताया यहाँ पर आपको लिक्विड है, तो लिक्विड की हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। उसके अंदर 200 से ज्यादा हमारे पास क्या निकलते हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 200 प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होता है जो हमारा कोल्ड टार होता है। तो अब जब इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लाइक 100 केजी अगर आप कोल्ड टार ले लेंगे तो उससे आपको लगभग जो है वो 110 केजी, मतलब अगर आप कोल्ड टार ले लें तो 10 केजी कोल्ड टार से आपको लगभग 1 केजी तक आपको बेंजीन मिल जाता है। तो बेंजीन इसका मेन प्रोडक्ट होता है C6H6 जो मिलता है कोल्ड टार में से। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको कोल्ड टार से एक्सट्रैक्ट किया तो उसका नाम भी याद रख लेगा, उसका नाम था हॉफमैन, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, कोल गैस इज अ मिक्सर ऑफ डैश। कोल गैस जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? अब देखिए कोल गैस के बारे में ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों की अलग अलग राय है। सेकेंड ईयर की जो ओल्ड बुक है वो कहती है कि मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है कोल गैस, और न्यू बुक और गूगल के मुताबिक भी यही है कि मीथेन के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर होती है। तो वैसे तो वाटर हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। तो वाटर गैस और CH4 साथ में मतलब कि मीथेन गैस, ये दोनों इसके अंदर होती है। तो ये आपको ओल्ड बुक को छोड़कर न्यू बुक की चीज़ याद करनी है, दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मीथेन एंड वाटर गैस। क्वेश्चन 15 है, द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड डैश। वो प्रोसेस जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन 16, इट इज यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन आपको पता है, गैसोलीन और पेट्रोल दे आर सेम थिंग्स, कि बस जो हमारे पास जो यूएस वाले होते हैं वो गैसोलीन कहते हैं, यूके वाले हमारे पास कहते हैं ब्रिटिश कहते हैं पेट्रोल। तो गैसोलीन या पेट्रोल की क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर को यूज करते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 15, नाउअडेज इट इज यूज्ड फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। आजकल पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग के लिए पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे टेट्रा इथाइल लेड, जिसका फॉर्मूला था C2H5 इथाइल हो गया 4 और PB मतलब लेड। अब लेकिन हम क्या करते हैं, PT प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लैटिनम को यूज किया जाता है फॉर रिफॉर्मिंग। 16 क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स इज कॉल्ड डैश। कार्बन की लंबी चेन बनाने की सलाहियत क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्वेश्चन 17 है, कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन ड्यू टू डैश। कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी क्यों है कैटेनेशन की? दो रीजंस इसके पीछे। फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरा ये कि इसका स्मॉलर एटॉमिक रेडियस भी होता है कार्बन का, चूंकि इसके पास सिर्फ हमें पता है 2 शेल्स होते हैं चूंकि सेकंड पीरियड में होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, इन दोनों की वजह से कैटेनेशन आती है कार्बन के अंदर। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉलेबल इन वाटर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाता है? अब देखो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लाइट डिजोल्व लाइक का। लाइट डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में हल होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। अब वाटर चूंकि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें कोई पोलर ही जाकर डिजोल्व होगा। अब हेक्सेन टोलुइन बेंजीन ये तीनों क्या होते हैं? नॉन पोलर। एसिटिक एसिड चूंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा होता है? पोलर होता है, तो पानी में डिजोल्व हो जाता है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द कंबस्टन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन से क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया जाता है तो दो चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हीट भी लिबरेट होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जला दें। क्वेश्चन 20 है, द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। यह वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, डी ऑप्शन।
21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर किसको इस्तेमाल करते हैं? गैसोलीन को करते हैं। अमेरिकन गैसोलीन कहते हैं, ब्रिटिश पेट्रोल कहते हैं, आप जानते हैं। 22 इट इज यूज फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट। रैपनिंग का मतलब होता है पकाना। इनमें से किस क्यों हम लोग फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो इथीन होता है ना, C2H4, जिसको कॉमनली हम लोग कहते हैं इथाइलीन, इसको रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 23, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग करने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? तो इथाइन को, डी ऑप्शन। इथाइन गैस को वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H2। इसी को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली इसी को कहा जाता है एसिटाइलीन। जब इसको जलाया जाता है, इथाइन को जब हम बर्न करते हैं, तो हमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग इसको लाइक वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फ्लेम को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलीन फ्लेम, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। 24, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। इनमें से किसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मलिन, ऑल ऑफ दिस। फॉर्मलिन को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन इज एक्चुअली द 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का एक्वा सोल्यूशन होता है फॉर्मलिन, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, सैंपल्स को प्रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन 25, इट इज यूज एज एंटी फ्रीज एंड अ कूलेंट फॉर ऑटोमोबाइल। इनमें से किसको हम लोग जो है वो ऑटोमोबाइल्स के एंटी फ्रीज और कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको ठंडा रखने के लिए या फिर उसको जमने से बचने के लिए? तो इथेलाइन ग्लाइकोल को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका IUPAC नेम होता है 1.2 इथेन डाइओल। स्ट्रक्चर आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर OH अटैच होता है, टोटल दो कार्बन होते हैं, दैट्स इथेलाइन ग्लाइकोल। 26, से इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पर किसको इस्तेमाल करते हैं? फिनॉल को यूज किया जाता है, डिटॉल के नाम से घर पर आपको मिलता है ये। 27, इट इज यूज एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया किसे कहते हैं बेटा? एनीथिंग विच कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस, हर वो चीज़ जो बेहोश कर दे, दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के तौर पर हम लोग ईथर्स को यूज करते हैं, और ईथर में कौन सा? डाईथाइल ईथर यूज करते हैं, जिसको हम लोग इथॉक्सीथेन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है C2H5O C2H5। ये मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 28 है, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसको और क्या नाम दिया जाता है? तो एसिटिक एसिड को और हम लोग कहते हैं विनीगर या फिर सिरका, ठीक है। 29, इट इज यूज एज आर्टिफिशियल फ्लेवर। आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पर हमेशा एस्टर्स यूज किया जाता है, चूंकि इनका टेस्ट हमारे पास कैसा होता है? स्वीट टेस्ट होता है। अब इन चारों में से एस्टर क्या? एस्टर इथाइल एसिटेट है। इथाइल एसिटेट कॉमन नेम है इसका, IUPAC में हम लोग कह सकते हैं इथाइल इथानोइट, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनेगा, CH3COOC2H5, दिस इज इथाइल एसिटेट। और ये हमारे पास नेचुरली पाइनएप्पल के अंदर मौजूद होता है, अनानास के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन 38, इज यूज एज नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? एसीटोन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग IUPAC में प्रोपानोन कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच होता है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अच्छा, आपको पता है कि कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल। तो ये तीनों ही क्रिस्टलाइन एलोट्रोप हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। 32, बकीबॉल इज मेड अप ऑफ डैश कार्बन एटम। बकीबॉल में हमें कार्बन के 60 एटम्स मिलते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 60, जो एक बॉल की सूरत में रेंज होते हैं, सॉकर बॉल की सूरत में, दैट्स व्हाई इसको बकी बॉल कहा जाता है। 23, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर वाज एन अमेरिकन डैश। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, इमारतें बनाने वाले थे, जिन्होंने एक तरह की जियोडेसिक डोम बनाई थी, जिसका स्ट्रक्चर हूबहू मिलता था किससे बेटा? बकी बॉल से। दैट्स व्हाई बकी बॉल का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, इनका बक से लिया गया बकी, तो बकी बॉल इसके नाम पर रखा गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर, ठीक है। That's why Buckminster Fullerin भी कहते हैं हम लोग बकी बॉल को sometimes, अगर आपने कभी पढ़ा है। 34, बकी बॉल contains dash 5-membered ring। बकी बॉल में दो तरह की रिंग्स होती हैं, एक तो 5-membered pentagonal rings होती हैं, और एक हमारे पास 6-membered hexagonal ring होती हैं। तो 12 हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो 5-membered ring होती हैं, तो 5-membered ring पूछ रहे तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12। 35, एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ये डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36, विच कंपाउंड कंटेन्स OH फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड में हमारे पास मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है अल्कोहल के अंदर, चूंकि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH होता है। 37, द कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर विद अ रेशियो ऑफ। होमोलोगस सीरीज, होमो मतलब आपको पता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब हमारे पास क्या होता है? रेशो, सेम रेशो वाले सीरीज।
अब देखो सी एच फोर है, सी एच और सी टू एच सिक्स है, दो मेंबर्स है ना कंजिकेटिव, तो दोनों में सी एच टू का डिफरेंस एक आ रहा है ना, तो ये एक सीरीज चलती है, हर अगला मेंबर पिछले वाले से सी एच टू ज्यादा होता है, दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम डैश, किसी होमोलोगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी सेम क्या होगी? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये तो अलग होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम एक ही फंक्शनल ग्रुप के, एक ही कंपाउंड के सीरीज के सारे एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे अल्केन सारे के सारे लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन सल्काइन सारे के सारे मोर रिएक्टिव होते हैं, चूंकि सेम होमोलोगस सीरीज के अंदर आ रही है ग्रुप इसके कंपाउंड्स। 39 है, सी एच टू ग्रुप को और क्या कहा जाता है? देखो अगर सी एच थ्री है तो इसको मिथाइल कहते हैं, सी एच है तो उसको मिथाइल ही कहते हैं लेकिन ई एंड में लगा देते हैं, और सी एच टू है तो उसको हम लोग कहते हैं मिथाइलिन, सी एच फोर है तो उसको हम लोग कहते हैं मिथेन। तो सी एच टू ग्रुप को अगर हम नेम दें तो ये नेम हमारे पास कहलाता है मिथाइलिन, कहते हैं उसको, ठीक है। 40 है, वॉट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन्स इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है दिस इज सी एन एच टू एन प्लस टू, यहाँ पर एन हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 41 है, द डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर मासेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, सिंपल सी बात है, अब सी एच टू का डिफरेंस आता है ना भाई दो मेंबर्स में, जैसे मिथेन है इथेन है, तो अगर हम सी एच टू को प्लस करें तो डेट इज 12 प्लस 2 इक्वल टू 14, तो 14 एम यू का फर्क आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर अगला मेंबर पिछले वाले से 14 एम यू के फर्क से होगा, आप इसको निकालेंगे तो भी पता लग जाएगा आपको, सिंपल है। जैसे ये मिथेन हमारे पास है 16 हो गया, ये हो गया 24 प्लस 6 30, तो 30 में से अगर आप 16 को माइनस कर दें तो आंसर आपका 14 ही निकल कर आता है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन हैज हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट, हम जानते हैं होमोलोगस सीरीज में टॉप से बॉटम जाते हैं तो बॉलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, ठीक है, और बॉलिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह क्या होती है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए जितना नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा, लाइक जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में हाईएस्ट आपको पता सबसे ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर जो आएगा वो हमारे पास ब्यूटेन के अंदर आएगा, सिंपली दैट्स व्हाई ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। 43 है, द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम इज डैश, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है वो कौन सा है? अल्कोहल में देखो OH होता है, नाइट्रोजन नहीं है, केटोन में सी डबल बॉन्ड OR, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। अमाइड ग्रुप की बात करेंगे तो ये कार्बोनाइल के साथ NH2 ग्रुप मौजूद होता है, तो अमाइड ग्रुप या जिसको हम CONH2 ग्रुप भी कहते हैं इसमें नाइट्रोजन होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास आपको पता है कि नहीं होता नाइट्रोजन। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली, अल्कीन फैमिली से कौन से कंपाउंड बिलोंग करते हैं? अल्कीन CNH2N होता है ना भाई, अब इन तमाम के फॉर्मूले पर रख के पता लग जाएगा, C2H6 तो इथेन होता है, C2H4 इथीन होता है, C2H2 इथाइन होता है, C6H6 बेंजीन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इथीन आ जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये CNH2N के फॉर्मूले पर पूरा तरह अगर N के वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो सूरत में, तो इथीन पहले ही मेंबर होता है अल्कीन फैमिली का, इसी को हम लोग कॉमन में बताया ना अभी क्लास के स्टार्ट में क्या कहते हैं इसको, हम लोग इथाइलिन कहते हैं। 45 है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH होता है, मतलब CNH2N+1OH। 46 है, CH3COOH क्या है? तो ये RCOOH की सूरत में लिखा हुआ है, तो RCOOH किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड मेंबर है, इसका फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड होता है। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, इनमें से किसके पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है? कार्बोनाइल ग्रुप किससे कहते हैं बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो हमारे पास होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब एल्डिहाइड में आप देखेंगे कि इसमें आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखेगा, कीटोन में भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखेगा, लेकिन जो हमारे पास ये नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स इनको साइनाइड्स कहते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन या जिनको हम लोग डायरेक्टली सी एन लिखते हैं, तो उनके अंदर हमें नहीं मिलता क्या बेटा? ये मतलब कार्बोनाइल ग्रुप नहीं मिलता। 48 है, सी एच थ्री एन एच टू इज अ डैश, सी एच थ्री एन एच टू क्या होता है? ये अमाइन है, आर एन एच टू रेडिकल के साथ एन एच टू ग्रुप अटैच हो जाए, ये अमाइन हमारे पास बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन है ये। 49 है, द फंक्शनल ग्रुप एक्स कंटेन्स एन एटम फ्रॉम द दिस ग्रुप ऑफ रॉक टेबल, जैसे आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास आर एक्स होते हैं, या जो एक्स होता है तो एक्स आपको पता है ना ये हैलोजन होता है, और हैलोजन किसके 7 ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इस एक्स की जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी आ सकता है।
लास्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 50 के, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म डैश बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो सिंपल बात है, याद रखना है कि कार्बन जो है ना वो क्या है बेटा, कार्बन मुस्लिम है, कार्बन मुसलमान है। जिस तरह मुसलमान चार शादियां कर सकते हैं, एक मुसलमान मर्द चार बॉन्ड बना सकते हैं, चार मुख्तलिफ खवातीन से शादी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कार्बन जो है वो भी चार शादियां कर सकते हैं, चार बॉन्ड बना सकता है। दैट सिंपल। तो कार्बन चार बॉन्ड बना सकते हैं, इसी रीजन की वजह से कार्बन को हम लोग कहते हैं कि कैसा होता है, ये टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, तो बेटा ये 50 एमसीक्यूज हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया मेरा तो इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और आखिरी बात यही कि अगर आप पीडीएफ नोट्स अगर चाहते हैं किसी भी क्लास के, सेकेंड ईयर के, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स चाहिए, या ईकेट एमडीकेट के लिहाज से अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, या फिर पास पेपर चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एनईडी डाओ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272। तो इस पर मैं जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स जो है वो तो पेड होते हैं, लेकिन इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में आपको चार्ज कर रहा होता हूँ, जिस पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो आई होप सो बेटा कि आपको लेक्चर कंप्लीट 50 एमसीक्यू समझ में आए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।